नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के मथुरा के महिला पत्रकार मीरा शर्मा पर जानलेवा हमला। पहला, मथुरा कवरेज कर अपने पति के साथ घर लौट रही थी महिला पत्रकार। बता दें कि जब वह अपने घर को लौट रही थी तभी पीछा कर रहे बदमाशों ने मथुरा के गोवर्धन रोड के रतनलाल फूल कटोरी स्कूल के समीप उन पर हमला कर दिया और उनके गले से मंगलसूत्र को भी ले गए। वहीं महिला पत्रकार के शोर मचाने पर राहगीरों ने उनको बचाया और बदमाश वहाँ से फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और घायल महिला पत्रकार को जिला अस्पताल के लिए भेज दिया। वहीं सूचना मिलते ही एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। मथुरा संवाददाता धीरज शर्मा की रिपोर्ट। आज जो महिला पत्रकार के साथ जो घटना हुई उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी एक दंपत्ति जो थे वो एक्टिवा के माध्यम से अपने घर जा रहे थे। वापस एक हॉस्पिटल पर गए थे, वो बच्चों की दवाइयाँ लेने वापस जा रहे थे। थाना हाईवे क्षेत्र अंतर्गत रतनलाल फुलकटोरी स्कूल के पास बाइक पे दो सवार युवकों के द्वारा उनका चेन छीनने का प्रयास किया गया, जिसमें उनके द्वारा चेन तोड़ ली गई। उसी चेन तोड़ने की वजह से वो महिला स्कूटी से गिर गई, उनको भी चोट आई है। और दो लड़के हैं ये बाइक पे जिनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। हमारी इसमें 5 अलग अलग टीमें वर्तमान में काम कर रही हैं, जिसमें एसओजी सरलान स्वाट की टीम्स हैं, थाने की टीम है, और उसके अलावा जो विभिन्न टीम्स हैं वो लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो पीड़ित हैं, जो चोटिल हुई हैं महिला, वो और उनके पति दोनों से मेरे द्वारा वार्ता करी गई है। कुछ चीज़ें उनके हमारे से साथ शेयर करी गई हैं जिनके माध्यम से हम इन अभियुक्तों का जल्द से जल्द पता लगा के उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि भविष्य के जो अपराधी हैं उनको ये सबक मिल सके कि इस प्रकार की घटना का क्या अंजाम होता है। थैंक यू। सर, मेरा नाम सुमित शर्मा है और हम लोग कृष्णा नगर मेहता नर्सिंग होम से वापस लौट रहे थे अब सिवासा स्टेट के लिए, अपने घर के लिए। और रतनलाल फुलकटोरी स्कूल के पास एक बाइक हमारे बराबर में लगी और मेरी पत्नी मीरा शर्मा, उनके गले में से चेन छीनी, उनको धक्का मारा जिससे उनका सर फट गया। और फिर उनके हमने प्रयास भी किया उनको ढूंढने का, अड़िंग तक हम उनके पीछे पीछे प्रयास किया कि शायद मिल जाएं, तो नहीं मिल पाए। फिर हम सतुआ चौकी आए, वहाँ के बाद यहाँ मथुरा जिला अस्पताल आए। सर,